हेलो गाइस, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे pb.net में चेक बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्म बनाएंगे। पहले यहाँ पर एक लेबल लाते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हॉबीज़। अब नीचे जो है ऑप्शन रहेगा हॉबीज का, जैसे कि इसके लिए चेक बॉक्स लाएंगे, चेक बॉक्स सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल देंगे। ये हो गया चेक बॉक्स वन, फर्स्ट चेक बॉक्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है चेक बॉक्स वन। इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज बार से। टेक्स्ट है, टेक्स्ट में चेक बॉक्स यहाँ पर जाके इसको सिलेक्ट करके पहला जो हॉबी है उस कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम लिख देते हैं रीडिंग। ये हो गया एक ऑप्शन, और इसको कॉपी कर देते हैं। चेक बॉक्स टू हो गया, इस चेक बॉक्स का नाम है चेक बॉक्स टू। प्रॉपर्टीज में इसका नाम रहता है चेक बॉक्स टू, और इसका जो टेक्स्ट है इसको हम कर देते हैं सपोज सिंगिंग। ये हो गया दूसरा ऑप्शन, और एक लाते हैं यहाँ पर चेक बॉक्स थ्री, इसका नाम है, और इसका टेक्स्ट जो है उसको कर देते हैं प्लेइंग। तो ये तीन ऑप्शन हो गया। चेक बॉक्स को क्यों यूज़ करेंगे? जैसे पिछले वीडियो में जो हम दिखाए थे वह रेडियो बटन का यूज़, वो भी ऑप्शन चूज़ करने के लिए था। लेकिन वो है दो तीन ऑप्शन अगर रहेगा उनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए वो रेडियो बटन यूज़ किया जाता है। और अगर हम मल्टीपल ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर चेक बॉक्स देना होगा। जैसे कि हॉबीज़ रीडिंग सिंगिंग प्लेइंग, तीनों में से तीनों ही हो सकता है, दो हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो मल्टीपल चॉइस के लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करके हम चाहते हैं कि एक लिस्ट में ऐड करेंगे, तो लिस्ट में ऐड करने के लिए लिस्ट बॉक्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर है टूल बॉक्स में लिस्ट बॉक्स, इसको क्लिक करके यहाँ पर डाल देता है लिस्ट बॉक्स। आ गया लिस्ट बॉक्स, इसका नाम जो है यह लिस्ट बॉक्स वन। अब ये जो चूज होगा उसके बाद एक बटन चाहिए एक्टिव करने के लिए, और उस बटन यहाँ पर डाल देते हैं। बटन में उसका टेक्स्ट जो है इसको हम कर देते हैं ऐड। बस हॉबीज़ को यहाँ पर से चूज़ करेंगे और ऐड करने के बाद लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए प्रोग्राम में जाएंगे, इस बटन में डबल क्लिक करने के बाद प्रोग्रामिंग एरिया में आ गया। अब यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग एरिया में आ गए, और यहाँ पर कंडीशन देना पड़ेगा कि जो भी चेक बॉक्स चेक रहेगा उस ऑप्शन यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन देना पड़ेगा। तो कंडीशन के लिए इफ जैसे पहला जो चेक बॉक्स था उसका नाम है चेक बॉक्स वन, तो यहां पर से चेक बॉक्स वन डॉट चेक्ड। अगर चेक बॉक्स वन जो है वो चेक्ड रहेगा इक्वल ट्रू, चेक बॉक्स वन अगर चेक्ड रहेगा इक्वल ट्रू, देन क्या होगा? फिर से वहाँ पर जाते हैं। ये है चेक बॉक्स वन, चेक बॉक्स वन अगर चेक रहेगा देन क्या होगा? ये रीडिंग जो है इसका हॉबीज रीडिंग यहाँ पर ऐड हो जाएगा लिस्ट बॉक्स में। तो उसके लिए लिखना होगा लिस्ट बॉक्स वन, लिस्ट बॉक्स का नाम जो है वह है लिस्ट बॉक्स वन, उसमें डॉट आइटम ऐड हो जाएगा, आइटम्स डॉट एड मतलब लिस्ट में ऐड हो जाएगा एक आइटम। वो क्या होगा? ब्रैकेट में इन्वर्टेड में देना पड़ेगा क्या ऐड होगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन था वो है रीडिंग, तो यहाँ पर लिख देंगे
रीडिंग, तो रीडिंग जो ऑप्शन है वो ऐड हो जाएगा। ये हो गया चेक बॉक्स वन फर्स्ट ऑप्शन के लिए कंडीशन। तो इसी तरह और दो ऑप्शन के लिए एक ही चीज़ लिखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन जो है सिंगिंग, और थर्ड चेक बॉक्स में जो है प्लेइंग। तो वहाँ पर फिर से चला जाता है, एक ही होगा प्रोग्राम, तो इसको सिलेक्ट करके हम कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल वी, हो गया तीन कंडीशन। फर्स्ट जो है चेक बॉक्स वन के लिए, सेकंड जो है चेक बॉक्स वन ए टू हो जाएगा सेकंड ऑप्शन चूज करने के लिए। अगर चेक बॉक्स टू चेक रहेगा तो क्या होगा, लिस्ट बॉक्स में क्या आइटम ऐड होगा, ये रीडिंग था, रीडिंग को हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग हो गया। अब थर्ड ऑप्शन जो है चेक बॉक्स थ्री होगा, उसका नाम है चेक बॉक्स थ्री, और इसका जो ऑप्शन था वो था प्लेइंग। तो थर्ड ऑप्शन चूज करने के लिए, चूज करने के बाद प्लेइंग ऐड हो जाएगा लिस्ट बॉक्स में। ये हो गया प्रोग्राम, अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो ये फॉर्म ऑप्शन है, हम यहाँ पर से किसी भी एक ऑप्शन, दो ऑप्शन और तीनों ऑप्शन को चूज़ कर सकता है। यही है चेकबॉक्स का काम कि मल्टीपल ऑप्शन को हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हम रीडिंग को चूज़ किए और प्लेइंग को चूज़ किए। अब ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, ये रीडिंग और प्लेइंग जो है ये दो ऑप्शन लिस्ट में आ जाना चाहिए। तो ऐड किए, अब देखिए रीडिंग और प्लेइंग आ गया। इसी तरह मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करने के लिए चेकबॉक्स का यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।